नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सूखे के आसार के बीच राहत भरी खबर। उप मुख्यमंत्री ने बताया कब होगा निकाय चुनाव। इन जिलों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, शिक्षकों का अब नहीं रुकेगा वेतन। तेज प्रताप बोले, पापा को चापलूसों की जरूरत नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सूखे के आसार के बीच राहत भरी खबर। बिहार में छिटपुट बारिश जरूर हो रही है, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। सोमवार की रात पटना में हल्की बारिश हुई, लेकिन उससे मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। लेकिन लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि अगले 2 दिनों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। वर्तमान में प्रदेश में पूर्वी हवा का प्रवाह जारी है, जिसकी गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना का कहना है कि मानसून की ट्रफ रेखा ऊपर उठने के बाद ही प्रदेश में बारिश के आसार बन सकते हैं। प्रदेश में अभी मौसम तो शुष्क रहेगा ही, वहीं दूसरी और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी भारी बारिश की संभावना अगले 2 से 3 दिनों में दिख रही है। इन जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम में आई कमी। तेल कंपनियों ने मंगलवार को बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। राजधानी पटना, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा और बांका समेत अन्य शहरों में तेल के दाम कम हुए हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और कटिहार जैसे कुछ जिलों में पेट्रोल और डीजल के दामों में आम आदमी को हल्का झटका लगा है। यहाँ तेल के दाम में कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पेट्रोल और डीजल के दामों में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पटना में पेट्रोल 58 पैसे और डीजल 54 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। इसके साथ ही पटना में पेट्रोल का दाम 107 रुपये 54 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 94 रुपये 37 पैसे मिल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कब होंगे निकाय चुनाव। बिहार में निकाय चुनाव में देर हो रही है। इस दौरान कई नगर निकायों के कार्यकाल भी समाप्त हो चुके हैं, फिर भी चुनाव में वक्त लग रहा है और अभी भी 2 महीने का वक्त लग सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम और नगर प्रशासन मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि बिहार में निकाय चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि चुनाव सितंबर अक्टूबर महीने में हो सकता है। निर्वाचन आयोग चुनाव से पूर्व की तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव से पूर्व तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अगस्त तक यह काम पूरा हो जाएगा। आयोग की अनुमोदित सूची का अंतिम प्रकाशन 29 अगस्त को होगा। इसके बाद किसी भी दिन चुनाव की घोषणा की जा सकती है। माना जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। जूट से बैग बनाकर विक्षु बन रहे आत्मनिर्भर। जैसा कि हम सब को पता है कि बिहार में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो चुका है। हालांकि इसके रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारे विकल्प भी सामने आए हैं, जिसके बाद लोग मक्के के छिलके और जूट से बने थैलियों और ठोंगे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। इस बीच समाज कल्याण विभाग की ओर से भिक्षुकों को रोजगार देने के लिए और उन्हें भिक्षावृत्ति करने से रोकने के लिए भिक्षुकों का समूह बनाया गया है। इसका नाम मुक्ता सक्षम उत्पादक समूह रखा गया है। इसमें भिक्षुकों को जूट से बनने वाली चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है और विभिन्न जगहों से मिलने वाले ऑर्डर भी इनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह सेंटर शिवपुरी स्थित सेवा कुटीर में चलाया जा रहा है। शिक्षकों का अब नहीं रुकेगा वेतन। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षकों का वेतन नहीं रोकेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन शिक्षकों का सर्टिफिकेट 26 जुलाई तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें एक भी शिक्षक का कार्य अवधि का वेतन किसी भी परिस्थिति में लंबित नहीं है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने वेतन भुगतान संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु सभी डीपीओ को नोडल अफसर के तौर पर तैनात किया है। 1600 जवान करेंगे पीएम की रक्षा। विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर बने शताब्दी स्तंभ का लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर बिहार की राजधानी पटना में खास इंतजाम किया गया। सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया। मालूम हो कि 2014 विधानसभा चुनाव के बाद आज प्रधानमंत्री का पहला बिहार दौरा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पटना में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पटना पुलिस के अलावा 1600 के करीब अधिकारियों और जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया। इसमें एसपी रैंक के अफसर से लेकर डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसएसआई, एएसआई और सिपाही हवलदार शामिल हैं। इस बीच प्रधानमंत्री विधानसभा में पहुंचकर अपने कर कमलों से शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। इन जिलों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। आखिरकार सालों से जिसका इंतजार था, वो खासकर सावन के महीने में देवघर की ओर यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों को मिल गया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यानी मंगलवार को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। बाबा वैद्यनाथ धाम की नगरी में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी शुरू होने से न सिर्फ झारखंड
उत्तराखंड के करीब एक दर्जन जिलों में लोगों को हवाई सफर की सुविधा मिलेगी, बल्कि बिहार और बंगाल के भी कई जिलों के लिए यह एयरपोर्ट वरदान साबित होने वाला है। 3 राज्यों के करीब 20 जिलों के लिए यह एयरपोर्ट महज कुछ घंटों की दूरी पर है। आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से बिहार के कई जिलों की दूरी काफी कम है, जैसे भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय से लेकर खगड़िया तक कई जिलों के लोगों के लिए देवघर एयरपोर्ट बेहद नजदीक है। इन जिलों के लोग अब गया या पटना की बजाय देवघर एयरपोर्ट का विकल्प चुन सकते हैं। पादला रद्द होने के बाद अपनी जगह पर वापस लौटे सीओ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 30 जून को 149 सीओ का तबादला हुआ था, लेकिन इसमें कई स्तर की गड़बड़ी पाए जाने के बाद ट्रांसफर से जुड़ी पूरी अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही तय हो गया कि जो सीओ जहां थे वो वहीं रह जाएंगे। हालांकि तबादला रद्द करने का आदेश अधिसूचना के 8 दिन बाद किया गया था। इस वजह से सभी सीओ अपने नए पदभार को ग्रहण नहीं कर पाए। फिर भी बड़ी तादाद में सीओ ने नया पदभार ग्रहण कर लिया था। इन सभी सीओ को वापस अपने पुराने स्थान पर लौटना होगा। वहीं इधर तबादले की इस अधिसूचना के निरस्त होने के बाद इस नए सिरे से जारी करने का कवायद चल रहा है। बिहार में बिजली संकट का साया छटा। इन दिनों बिहार में एनटीपीसी से पर्याप्त बिजली नहीं मिलने और नवीनगर के भी कुछ यूनिट बंद हो जाने से बिजली संकट के बीच बिहारवासी काफी परेशान थे। हालांकि अब बिजली संकट थमा है। सोमवार से बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ है। एनटीपीसी की नवीनगर और बाढ़ यूनिट से प्रोडक्शन शुरू होने के कारण केंद्रीय कोटे से बिहार को लगभग पूरी बिजली मिली। हालांकि मांग की तुलना में बिहार को मात्र 300 मेगावाट की बिजली कम रही है, जो बाजार से खरीदकर आपूर्ति की गई। एनटीपीसी की नवीनगर यूनिट भी बीते दिन सुबह चालू कर दी गई। आपको बता दें कि इस यूनिट से बिहार को 402 मेगावाट बिजली मिलने लगी। एनटीपीसी से बिहार को 5200 मेगावाट से अधिक बिजली दी गई है। खेसरा नंबर लॉक कर बिचौलिए कर रहे हैं काली कमाई। खरीद बिक्री की रोक सूची से जमीन को हटाने के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। खेसरा नंबर को लॉक कर उसे फिर खोलने के नाम पर काली कमाई की जा रही है। बिचौलियों ने रजिस्ट्री कार्यालय से लेकर एटीएम कार्यालय तक अपना जाल फैला रखा है। उस जाल में फंसे जरूरतमंद रैयत खेसरा अनलॉक कराने को दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बिचौलियों के आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने भी माना है कि इस रोक प्रक्रिया में उगाही का खेल चल रहा है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो पटना जिले में 500 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनकी भूमि का खेसरा नंबर लॉक हो जाने के कारण अपनी जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ज्यादातर लोगों का खेसरा गलत प्रतिवेदन के कारण लॉक हो गया है। इसी तरह कई जिलों में ऐसा खेल चल रहा है। आपको बता दें कि जमीन को रोक सूची से हटाने के लिए प्रयत्न करते ही बिचौलिए उन्हें फांस ले रहे हैं। जमीन की कीमत का मोटा हिस्सा लेकर उसे लॉक को खोला जाता है, तब बिक्री संभव हो पाती है। अपने पुराने दोस्त से मिले लालू यादव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में अभी इलाजरत है। मालूम हो कि गिरने की वजह से उनके कंधे में फ्रैक्चर आ गया था। वहीं पहले से ही उनकी किडनी की समस्या चल रही थी। फिलहाल अभी उनकी तबीयत में सुधार है और वो अब सीसीयू से बाहर भी आ चुके हैं। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पुराने दोस्त शरद यादव ने उनसे मुलाकात की। शरद यादव सोमवार की देर शाम दिल्ली एम्स पहुंचे थे और प्राइवेट रूम में पहुंचकर लालू यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ली गई तस्वीर शरद यादव ने साझा की है। आपको बता दें कि लालू यादव को ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा था और ना ही किसी अन्य तरह का कोई क्रिटिकल मेडिकल सपोर्ट है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री होंगे नदारद। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साल के पहले महीने में ही बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में एक बार फिर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पॉजिटिव पाए गए हैं। मालूम हो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना आगमन हुआ, वहीं उप मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से कार्यक्रम में नहीं होंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नहीं जाने का अफसोस है। उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर आश्वस्त है। तेज प्रताप बोले पापा को चापलूसों की जरूरत नहीं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में अभी इलाजरत हैं। मालूम हो कि गिरने की वजह से उनके कंधे में फ्रैक्चर आ गया था। वहीं पहले से ही उनकी किडनी की समस्या चल रही थी। फिलहाल अभी उनकी तबीयत में सुधार है। इस बीच राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने आ रहे विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने नेताओं को चापलूस कहा है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पापा को परिवार और बिहार की जनता की जरूरत है, न कि चापलूसों की। कुछ बाहर लोग खुद को मुंह मियां मिट्ठू बता रहे हैं, भोला भाला बन पिताजी की सेवा का दिखावा कर रहे हैं। ऐसे में कपटी और पाखंडी को जल्द बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
शिखर धवन आज खेलेंगे अपना 150वां वनडे। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन आज यानी 12 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना 150वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हैं। साल 2010 में उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और इसके बाद से वे अब तक 149 मुकाबले खेल पाए हैं। शुरुआत के कुछ सालों में धवन को कम ही मौके मिले क्योंकि शीर्ष पर वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे। धवन ने अब तक खेले 149 मैचों में 6,284 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 45.54 का रहा है जो वनडे क्रिकेट में अच्छा माना जाता है। स्ट्राइक रेट उनका 93.37 का है। 17 शतक और 35 अर्धशतक उन्होंने इस प्रारूप में जड़े हैं। देश भर में आज दूसरे दिन भी घटे कोरोना संक्रमण। कोरोना वायरस के पिछले हफ्ते बढ़े हुए केसों पर सोमवार से ब्रेक लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मंगलवार को जारी किए गए अपडेट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,615 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन के दौरान 13,265 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में 20 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के 18,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे। हालांकि आज कोरोना के केस भी बीते दिन से कम आए हैं और रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अरुण प्रभाकर, उमेश ऋषिदेव, इंद्रभूषण रवि, तफरूल आजम, गजेंद्र कुमार, सूरज कुमार, रामसेवक यादव, कुमार कौशल सिंह, रवि कुमार, कविता कुमारी और बद्री कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारतीय टीम की तरफ से कौन से खिलाड़ी आज के मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।